हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग तड़का हिंदी ट्यूटोरियल्स। आज का ये वीडियो हमारी फिल्टर्स की प्लेलिस्ट का लेक्चर 3 है, जो कि कैपेसिटर फिल्टर के ऊपर है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या होता है एक कैपेसिटर फिल्टर, क्या इसकी वर्किंग होती है और ये किस तरीके से काम करता है एक रेक्टिफायर सर्किट के साथ में कनेक्ट करने पर। तो इस वीडियो में हम कैपेसिटर फिल्टर की पूरी वर्किंग समझने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारे फिल्टर की प्लेलिस्ट के फर्स्ट लेक्चर में हमने फिल्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या होता है फिल्टर, ये क्या काम आता है और क्या इसकी ज़रूरत होती है एक सर्किट में, और फिल्टर्स के बेसिक टाइप्स भी देखे थे कि क्या क्या होते हैं उनके नेम्स। तो वो सभी पॉइंट्स मैंने इंडक्टर फिल्टर, जो कि हमारा लेक्चर 2 था, उसमें भी आपको रिवाइज करवाए थे, क्योंकि किसी भी चीज़ के टाइप्स को पढ़ने से पहले एक बार उस चीज़ के बारे में रिवाइज करना भी ज़रूरी है। भले ही शॉर्ट में इंट्रो दे दें, लेकिन शॉर्ट में इंट्रो देना उसका ज़रूरी है। तो आप अगर कंटिन्यू ये वीडियो देख रहे हैं उन दो लेक्चर्स को देखने के बाद, तो आप 2 मिनट के इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप करके फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को। तो कैपेसिटर फिल्टर को शुरू करने के पहले फिल्टर का इंट्रोडक्शन एक डेफिनेशन के द्वारा जल्दी से हम एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि व्हाट आर फिल्टर्स एंड व्हाट आर रेक्टिफायर्स। सबसे पहले बात करते हैं एक रेक्टिफायर की। फ़िल्टर समझने से पहले रेक्टिफायर समझना ज़रूरी है। तो रेक्टिफायर मैंने क्या बताया था कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी को डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी में कन्वर्ट करती है। फिर फिल्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर्स ऐसे सर्किट्स होते हैं, मतलब बेसिकली क्या होता है, ये फिल्टर्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ही होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं एक अप्लाइड सिग्नल से, या फिर जिस तरीके के हमें सिग्नल्स चाहिए होते हैं उनके एम्पलीट्यूड को यानी कि उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने के काम में भी फिल्टर्स को लिया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों डेफिनेशंस का? तो रेक्टिफायर तो सिंपली क्या है कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन रेक्टिफायर के केस में क्या होता है कि जो आउटपुट मिलता है हमें, इनपुट तो हम एसी अप्लाई करते हैं और आउटपुट हमें डीसी मिलता है, लेकिन वो जो डीसी आउटपुट मिलता है वो प्योर डीसी ना होकर पल्सेटिंग डीसी होता है। यानी कि पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या हो गया कि डीसी करंट के साथ साथ उसमें कुछ एसी के भी कंपोनेंट्स, अनवांटेड कंपोनेंट्स थोड़े बहुत आ ही जाते हैं। तो उन अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए जो सर्किट का यूज़ लेते हैं वो होते हैं फिल्टर सर्किट्स। तो फिल्टर सर्किट्स का यूज़ आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या होता है, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स यानी कि अनवांटेड एसी कंपोनेंट्स को डीसी सिग्नल से रिमूव करने के लिए फिल्टर लगाए जाते हैं आफ्टर रेक्टिफायर। जब रेक्टिफायर कन्वर्जन कर देता है उसके बाद फिल्टर को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिससे कि अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो होते हैं, एसी जो होता है, रिमूव हो जाता है। फिर मैंने बताया था कि उन्हीं अनवांटेड कंपोनेंट्स को हम राइपल भी कहते हैं। तो नीड तो क्या हो गई फिल्टर सर्किट की, ये हम समझ गए कि क्यों लगाया जाता है, रिवाइज हमने कर ही लिया ये। फिर मैंने बताया था कि एसी कंपोनेंट्स जो अनवांटेड के हम बात कर रहे हैं, एसी कंपोनेंट्स जो अनवांटेड होते हैं उन्हें हम राइपल कहते हैं, और आउटपुट जो होता है हमारा वो राइपल फ्री होना चाहिए यानी कि प्योर डीसी होना चाहिए, और प्योर डीसी बनाने के लिए वो जो अनवांटेड एसी कंपोनेंट्स हैं, राइपल जो हैं, उनका रिमूवल ज़रूरी है, और इसीलिए फ़िल्टर का यूज़ लिया जाता है। फिर मैंने आपको ये सर्किट बताया था कि रेक्टिफायर लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर, ये हो सकता है। और रेक्टिफायर की भी मैं अलग से बना दूंगी, अगर आपको नहीं आता हो तो अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगी रेक्टिफायर को, रेक्टिफायर की, उसमें टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स भी बता दूंगी। तो जैसे इनपुट हमने एसी अप्लाई किया इस रेक्टिफायर में, तो ये जो रेक्टिफाइड आउटपुट हमें मिला ये डीसी के साथ साथ कुछ एक एसी कंपोनेंट्स भी आ ही जाते हैं इसमें। तो अब हमें प्योर डीसी चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है मोस्टली वो प्योर डीसी पर काम करती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इस करंट को, इस आउटपुट को किसी डिवाइस में अप्लाई करने से पहले हमें इसमें ये जो अनवांटेड एसी कंपोनेंट्स हैं वो रिमूव करने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसी काम के लिए हम फिल्टर सर्किट का यूज़ लेंगे, कनेक्ट करेंगे एक फ़िल्टर सर्किट यहाँ पर, जिसमें ये रेक्टिफाइड आउटपुट जब अप्लाई होगा तो ये फ़िल्टर आउट कर देगा एसी कंपोनेंट्स को, यानी कि अनवांटेड एसी कंपोनेंट्स जिन्हें हम राइपल कहते हैं, वो यहीं पर ही ब्लॉक कर देगा ये,
और डीसी कंपोनेंट्स को क्या करेगा, ये पास कर देगा आगे, जिससे कि हमें फाइनल आउटपुट क्या मिल जाएगा, प्योर डीसी। और फिर ये प्योर डीसी हम लोड में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम अप्लाई कर सकते हैं। यही मैंने इसकी वेव्स बनाई थी कि ये एसी की वेव होगी जो इनपुट होगा उसकी, रेक्टिफाइड की फुल वेव, रेक्टिफायर अगर है तो ये मिल गई हमें रेक्टिफाइड आउटपुट, और प्योर डीसी ये हो गई वेव इसकी। फिर कंपोनेंट ऑफ फिल्टर देखे थे, तो मैंने आपको बताया था कि फिल्टर सर्किट में दो कंपोनेंट्स का यूज़ लिया जाता है, एक तो इंडक्टर और दूसरा कैपेसिटर। इसी के साथ हमने ये जाना था कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रिएक्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस किसी भी डिवाइस की एक वो प्रॉपर्टी होती है जो कि अपोज करती है उसमें करंट के फ्लो को, यानी कि रोकती है करंट के फ्लो को। तो जो कैपेसिटी होती है करंट के फ्लो को रोकने की, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और उसकी यूनिट होती है ओम्स। अब रिएक्टेंस क्या है? रिएक्टेंस भी कुछ और नहीं बल्कि एक रेजिस्टेंस ही है जो कि इंडक्टर के द्वारा ऑफर की जाती है, यानी कि पॉजेस की जाती है टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट के फ्लो को रोकने के लिए इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। अब शुरू करते हैं कि कैपेसिटर फिल्टर क्या होता है। कैपेसिटर फिल्टर के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैपेसिटर किस कंपोनेंट को कहते हैं। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है, ऐसी एक पैसिव और टू टर्मिनल यानी कि दो एंडिंग्स वाली एक डिवाइस होती है, एक कंपोनेंट होता है जो कि स्टोर करे रखता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर। जब उसमें से करंट का फ्लो होता है इस कंपोनेंट में से, कैपेसिटर में से, तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। कैपेसिटर का ये जो इफेक्ट है स्टोर करने की, जो कैपेसिटी है किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की, वो कहलाती है कैपेसिटेंस। और इस कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है? फेराड्स, जिसको एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटर का सिंबल बनाएं तो ये होता है एक कैपेसिटर का सिंबल। एक बार कैपेसिटर की फ़ोटो भी देख लेते हैं हम कि किस तरीके का होता है ये कैपेसिटर कंपोनेंट। ये है एक कैपेसिटर दो टर्मिनल का, ये दो इसके टर्मिनल्स हैं जो दो एंडिंग दिख रहे हैं आपको वायर्स लाइक। नाउ समझते हैं एक कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो कैपेसिटर की भी एक क्षमता होती है, एक एबिलिटी होती है करंट के फ्लो को अपोज करने की यानी कि रोकने की, उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिप्रेजेंट की जाती है एक्स सी से, और वो किसके इक्वल होती है? 1/2πfC के इक्वल होती है। अब मान लेते हैं जैसा कि मैंने बताया कि एक रेक्टिफायर का आउटपुट प्योर डीसी ना होकर पल्सेटिंग डीसी होता है, यानी कि उसमें डीसी वांटेड डीसी कंपोनेंट्स के साथ साथ अनवांटेड एसी कंपोनेंट्स जिन्हें हम रैपल कहते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज करते हैं कि वो जो पल्सेटिंग डीसी है यानी कि डीसी प्लस सम एसी कंपोनेंट्स, वो पास होते हैं इस कैपेसिटर के थ्रू। तो जब डीसी कंपोनेंट्स पास होंगे तो इसका क्या रिएक्शन होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर, ये ऑब्जर्व करते हैं। जो डीसी होती है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी फ्री होती है, यानी कि डीसी की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज जीरो होती है। तो जब डीसी कंपोनेंट्स इस कैपेसिटर से पास होंगे तो ये जो एक्सी है इसमें हम एफ को ज़ीरो पुट अप करेंगे, तो यहाँ पर ये वाली पूरी टर्म जो है डिनोमिनेटर वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। इट मीन्स जब एक डीसी कंपोनेंट पास होता है कैपेसिटर के थ्रू तो कैपेसिटर जो रिएक्टेंस पॉजेस करता है वो होती है इन्फिनिटी, यानी कि अप्लाई करता है ये एक इन्फिनिटी का रेजिस्टेंस उस डीसी करंट के ऊपर, यानी कि उसको ब्लॉक करके रखता है, अपने आगे से पास नहीं होने देता है वो। जबकि वहीं बात करें कि अगर एफ कुछ ना कुछ हाई होगी कंपोनेंट की, तो वो कैसा कंपोनेंट है, यानी कि वो एसी कंपोनेंट है जिसे हम रिपल बोल रहे हैं, वो कंपोनेंट है, तो उसको हम इस रिएक्टेंस में जब पुट अप करेंगे तो 1/ कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, हाई वैल्यू आएगी एफ को हाई रखने पर। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये बहुत ही कम हो रही है, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा होता है तो वो वैल्यू पॉइंट्स में आती है, यानी कि 0. something आती है। तो ये बहुत ही कम वैल्यू आएगी यहाँ पर एक्सी की। इट मीन्स क्या हमने देखा कि जब डीसी कंपोनेंट्स पास होते हैं एक कैपेसिटर के थ्रू तो वो इनफाइनाइट रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस उस पर अप्लाई करता है, यानी कि उन्हें रोक कर रखता है, पास नहीं होने देता। वहीं हमने देखा कि जब एसी कंपोनेंट्स या रिपल पास होते हैं इस कैपेसिटर के थ्रू तो वो बहुत ही लो रिएक्टेंस यानी कि बहुत ही
कम बाधा जो है वो डालता है करंट के फ्लो में, यानी कि उसे इजीली पास होने देता है। तो यहाँ का कंक्लूज़न हम लिख लेते हैं, ये हो गया इसका कंक्लूज़न कि कैपेसिटर अलाउ कर देता है एसी को पास होने के लिए और वो डीसी को ब्लॉक कर देता है। जस्ट अपोजिट वर्किंग होती है कैपेसिटर की एक इंडक्टर के कंपैरिजन में। इंडक्टर क्या करता है, डीसी को पास करता है और एसी को ब्लॉक करता है, जबकि कैपेसिटर में यहाँ पर इंडक्टर से बिल्कुल अपोजिट वर्किंग होती है। कैपेसिटर को हमेशा कनेक्ट करना चाहिए लोड के साथ पैरेलल में, यानी कि रेक्टिफाइड आउटपुट और लोड के बीच में कैपेसिटर को हमें पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट करना है, सीरीज में कभी भी कनेक्ट नहीं करना है। और ये जानना ज़रूरी यहाँ पर तो नहीं है कि सीरीज में क्यों नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोई आपसे अगर पूछ ले तो मैं जल्दी से आपको एक लॉजिक बता देती हूँ इसका कि क्यों सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं करना चाहिए और इसीलिए पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं हमेशा। तो टेक अ लुक, सपोज करते हैं कि हमने कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया अगर रेक्टिफायर और लोड के बीच में, तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल वोल्टेज, जो फर्स्ट हाफ होगा वोल्टेज का, फर्स्ट हाफ साइकिल होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज स्टार्ट हो जाएगा बिल्डअप होना उस कैपेसिटर के अक्रॉस, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेगा, वोल्टेज की कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट होता है वो होता है आई इज इक्वल टू सी डी वी बाय डी टी, यानी कि इस वोल्टेज का डिफ्रेंसिएशन विद टाइम। तो जब V की कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो यहाँ पर जब हम एक कांस्टेंट वैल्यू को पुट अप करेंगे तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का ऑलवेज क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये पूरी टर्म C के अलावा ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर ज़ीरो रख दिया और I इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया इस कारण, यानी कि जो करंट आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इससे हमने क्या देखा कि करंट ज़ीरो होने के कारण ये जो सर्किट है ये एक ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, यानी कि ओपन सर्किट की तरह दिखाई देगा हमें। इसलिए ये जो अरेंजमेंट होता है सीरीज में कनेक्ट करना कैपेसिटर को, ये किसी भी काम में नहीं आता है, किसी भी यूज़ का नहीं होता कि जब सर्किट ही ओपन सर्किट बन गया तो उस सर्किट को कनेक्ट करने का मतलब ही क्या है। तो इस वजह से हम कैपेसिटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे रेक्टिफायर के साथ में, ना कि सीरीज में, क्योंकि सीरीज के केस में क्या हो जाएगा, कैपेसिटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो इस वजह से ये लोड में भी आगे कोई करंट नहीं भेज पाएगा। अब समझते हैं कैपेसिटर फिल्टर की वर्किंग को एक डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने ये फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है, एक ये है फुल वेव रेक्टिफायर और ये है, यहाँ पर हमने कैपेसिटर फिल्टर को कनेक्ट किया है, तो ये इतना है कैपेसिटर फिल्टर और यहाँ पर ये लोड कनेक्टेड है RL और ये है आउटपुट वोल्टेज V0 VO और यहाँ पर है इनपुट वोल्टेज VS जो कि एक AC सप्लाई है और ये पूरा फुल वेव रेक्टिफायर है। हम अगर वेव फॉर्म देखें एक फुल वेव रेक्टिफायर की विदाउट फिल्टर सर्किट, तो वो कुछ इस तरीके से होगी। ये है इसका पीक वोल्टेज VM और इसके बाद अब देखते हैं कि जब एक कैपेसिटर फिल्टर को इस रेक्टिफायर के साथ में कनेक्ट किया जाएगा तो फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म क्या बनेगी। यहाँ मैं इसी सर्किट को एक छोटा सा करके बना रही हूँ। तो अब यहाँ पर जब VS AC सप्लाई को अप्लाई किया जाएगा इनपुट में, तो AC सप्लाई इस तरीके से होती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है फिर नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जो डायोड D1 होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा और डायोड D2 रिवर्स बायस में होगा। सो डायोड D1 से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बना देते हैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एज वेल एज कैपेसिटर और RL से भी वही करंट फ्लो होगा, तो इस तरीके से वो करंट यहाँ पर भी फ्लो होगा। यहाँ पर डायोड D2 रिवर्स बायस में है, इसलिए यहाँ पर मैंने ओपन सर्किट बना दिया इसको, क्योंकि डायोड जब रिवर्स बायस में होता है यानी कि वो कंडक्ट नहीं करता, तो वो एक ओपन सर्किट की तरह ही होता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि कैपेसिटर C जो है ये डायोड D1 के द्वारा चार्ज होगा। एक बार ये भी समझ लेते हैं कि कैपेसिटर का चार्ज होना क्या होता है और डिस्चार्ज होने का क्या मतलब होता है। तो कैपेसिटर के चार्ज होने का मतलब ये होता है कि ये डायोड से करंट को ले रहा है और उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, जबकि सी का डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो स्टोर एनर्जी है, करंट है, वो ये लोड को आगे दे रहा है
और खुद लोड को वो करंट देकर डिस्चार्ज हो रहा है। ड्यू टू डायोड D1 यानी कि D1 डायोड के कंडक्ट करने के कारण ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, लेकिन ऐसा कंप्लीट हाफ साइकिल तक नहीं होता है। मतलब ये कंप्लीट हाफ साइकिल है तो कंप्लीट हाफ साइकिल तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम जब भी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो उसका वोल्टेज कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। सो कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर जीरो से ऊपर उठते उठते कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा यानी कि वो चार्ज होगा और ये यहाँ पर इस पीक पॉइंट तक पहुँच जाएगा। लेकिन पीक पर पहुँचने के बाद ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो एकदम से फॉल नहीं होगा, जैसा कि ये वाली वेव में है। ये वोल्टेज फॉल हो रहा है, जो बिना फिल्टर की वेव थी उसमें वोल्टेज फॉल हो रहा है, लेकिन कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो पीक पर पहुंचने के बाद अचानक से फॉल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटर अलाउ ही नहीं करता कभी भी किसी इंस्टेंटेनियस चेंज को। इंस्टेंटेनियस चेंज मतलब अचानक से जो वोल्टेज चेंज हो जाता है उसे कैपेसिटर कभी भी अलाउ नहीं करता। तो एज अ रिजल्ट ओनली पीक पॉइंट तक डायोड D1 कंडक्ट करेगा, यानी कि जो डायोड D1 है वो इस पीक पॉइंट तक ही सिर्फ कंडक्ट करेगा। इसका मेन कारण समझें तो ये होगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो मैक्सिमम होगा, उसकी पीक वैल्यू होगी, जबकि जो इनपुट है यानी कि ये वाली वेव फॉर्म है विदाउट फिल्टर वाली, तो फिल्टर के लिए तो ये इनपुट वेव फॉर्म ही है। रेक्टिफाइड आउटपुट जो है वो फिल्टर के लिए तो एक इनपुट ही है, तो फिल्टर के लिए ये इनपुट हुई, तो इनपुट वेव फॉर्म तो फॉल हो रही है, लेकिन जो कैपेसिटर की जो वोल्टेज की वेव फॉर्म है वो कभी भी फॉल नहीं होगी, जिसके कारण एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव चला जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इस डायोड के अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज आ गया और उस नेगेटिव वोल्टेज के कारण ही डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि कंडक्ट करना वो बंद कर देगा ड्यू टू नेगेटिव वोल्टेज। सो कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू पीक पॉइंट पर पहुंच जाने के बाद डायोड D1 डायोड D2 की तरह रिवर्स बायस में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डायोड्स रिवर्स बायस में होने के कारण ये पोर्शन एक ओपन सर्किट हो जाएगा और जो पार्ट बचेगा सर्किट का वो कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस तरह से और यहाँ पर V आउटपुट वोल्टेज, C के डिस्चार्ज होने का ये प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पर ये करंट इसको प्रोवाइड कर रहा है तो ये खुद डिस्चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा था वो भी लिख देते हैं, C चार्जेस थ्रू D1, इस D1 डायोड के थ्रू C चार्ज यहाँ पर हो रहा था और यहाँ पर C डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस चार्ज्ड कैपेसिटर के कारण जो करंट होता है वो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस में बढ़ेगा और इसी करंट के बढ़ने के कारण ये V आउटपुट एक कांस्टेंट V आउटपुट यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। तो इस दौरान C जो है ये लोड को करंट दे रहा है और इसीलिए ये अपने आप को डिस्चार्ज कर लेगा अपनी एनर्जी को लोड को प्रोवाइड करके, और यही प्रोसेस ये जो नेक्स्ट हाफ साइकिल है ये वाली, ये यहाँ पर यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसी की हम वेव फॉर्म अगर ऑब्जर्व करते हैं तो कैपेसिटर का जो डिस्चार्ज टाइम होता है वो काफ़ी हाई होता है, तो सी जब डिस्चार्ज होगा तो इसका जो वोल्टेज है वो एकदम से डिक्रीज ना होकर स्लोली डिक्रीज होगा। तो ये जो वेव फॉर्म है ये रिप्रेजेंट करती है कि कैपेसिटर का वोल्टेज स्लोली डिक्रीज होगा, इसलिए ये एकदम से नीचे ना होकर कुछ इस तरीके से ये बनेगी। और ये वो टाइम है, ये वो हाफ साइकिल है जिसमें डायोड D1 और D2 दोनों ही ऑफ होंगे, जबकि यहाँ पर क्या था इतनी साइकिल में D1 ऑन था। तो इस पॉइंट तक तो यहाँ तक जो कैपेसिटर का वोल्टेज था वो ज़्यादा था सप्लाई वोल्टेज से, जैसा कि यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज तो यहाँ पर फॉल हो रहा था यानी कि कम वैल्यू हो रही थी, जबकि कैपेसिटर के वोल्टेज की वैल्यू जो है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा थी। और इसी कारण से जो D2 डायोड था वो रिवर्स बायस में रहा था इस दौरान, लेकिन इस पॉइंट के बाद में यहाँ पर इस पॉइंट के बाद में जो सप्लाई वोल्टेज है यहाँ से फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया फिर से
और यहाँ पर पहुँचने के बाद जो कैपेसिटर के वोल्टेज की वैल्यू है, इस वैल्यू से फिर से सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू बढ़ने लगेगी। और इस वजह से ये जो नेक्स्ट साइकिल आ रही है, इस नेक्स्ट साइकिल में एक पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप होगा डायोड D2 के ऊपर, और उस वजह से जो डायोड D2 है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। इस बार D2 पर वोल्टेज ड्रॉप होगा नेक्स्ट साइकिल में, इस कारण से डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। तो इस टाइम हमारा सर्किट कुछ इस तरह से होगा। क्योंकि इस बार यहाँ पर डायोड D2 कंडक्ट करेगा और D1 ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस में होगा, उसमें कोई वोल्टेज नहीं ड्रॉप हो रहा होगा, D2 में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, जिससे कि D2 कंडक्ट करेगा और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो D2 से इस तरीके से होगी, यहाँ से, और यहाँ से ये करंट ऊपर जाएगा और ये जो कैपेसिटर है इस पर यहाँ पर करंट होगा और सिमिलरली RL पर भी करंट होगा। अब यहाँ पर ये जो C है यानी कि कैपेसिटर है वो किसके थ्रू चार्ज हो रहा है, इस D2 डायोड के थ्रू। यहाँ पर जो D2 डायोड है ये वाला, इसके थ्रू यहाँ पर ये कैपेसिटर इस बार चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं C चार्जेस थ्रू डायोड D2। इट मींस ये जो कैपेसिटर है हमारा, ये डायोड D2 से फिर से चार्ज होगा करंट लेकर, और उसके बाद फिर से ये RL को वो करंट प्रोवाइड करके डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब ये चार्ज होगा तो इसका वोल्टेज फिर से इंक्रीज होगा, तो यहाँ से ड्यूरिंग चार्जिंग फिर से इसका वोल्टेज इंक्रीज होगा और फिर से यहाँ पर ये एक मैक्सिमम पीक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा चार्ज होना। अभी यहाँ तक आने पर फिर से चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि D2 ऑन है हमारा, और यहाँ तक इसने मैक्सिमम वैल्यू तक फिर से ये चार्ज हुआ। अब उसके बाद जैसे फर्स्ट केस में हुआ था, तो सेम वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद एक नेगेटिव वोल्टेज होगा डायोड D2 के अक्रॉस, यहाँ पर डायोड D2 के अक्रॉस, और जिसके कारण होगा क्या कि फिर से डायोड D2 रिवर्स बायस में आ जाएगा और पहले की तरह फिर से C का डिस्चार्ज टाइम ज़्यादा होने के कारण ये जो वेव होगी वो कुछ इस तरह बनेगी, यूं। तो इस तरह ये जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। एक बार D1 चार्ज होगा, दूसरे बार D2 चार्ज होगा, फिर D1, फिर D2, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और ये जो वेव फॉर्म है वो इस तरह से बनती रहेगी, यूं। अब अगर हम देखते हैं इन दो पीक्स के बीच का डिफरेंस, एक ये वाली पीक जहाँ तक ये चार्ज हो रहा था और एक ये वाली पीक, तो इन दोनों पीक्स के बीच का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, यही डिफरेंस जो है कहलाएगा रिपल। और ये जो रिपल की वैल्यू है, ये विदाउट फिल्टर की जो वेवफॉर्म थी यानी कि ये ब्लू वाली, इसमें जो एम्पलीट्यूड था रिपल का यानी कि एसी का, वो ये था, इतना बड़ा एम्पलीट्यूड था। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो ये यहाँ से यूं वेवफॉर्म बन रही है, फिर यहाँ से यूं और यूं चल के फिर इतना, यानी कि इतना सा ही केवल इसका रिपल फैक्टर आया है, जबकि विदाउट फिल्टर वाले वेवफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा ये रिपल फैक्टर था। तो सी की जो वैल्यू है कैपेसिटर की वो ज़्यादा होगी, तो ये जो वेवफॉर्म है ये रेड वाली आफ्टर फिल्टर जो आई है, ये वेवफॉर्म ऑलमोस्ट फ्लैट होगी, मतलब जो रिपल है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा और एक परफेक्ट DC की तरह हमें आउटपुट मिलेगा। एक रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है। एक फुल वेव रेक्टिफायर अगर हमने यूज़ लिया है, तो उस फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होगा वो होगा R=1/4√3fCRL। F फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की, C क्या है कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, और RL क्या है लोड रेजिस्टेंस है। सिमिलरली एक हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर बात करें, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है उसकी भी कैलकुलेशन एक फॉर्मूले से होगी, 1/, उसमें जस्ट हाफ हो जाएगा इसका, 4 का हाफ 2 √3fCRL। सो अगर हमें रिपल की वैल्यू यानी कि R की वैल्यू पता है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ लेते हुए कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकते हैं।
और सर्किट में उतनी ही वैल्यू का जो कैपेसिटर है वो हम प्लेस करेंगे, जिससे हमें आउटपुट में जो वेवफॉर्म मिलेगी वो परफेक्ट डीसी वेवफॉर्म होगी। तो ये है टोटल पूरी वर्किंग एक कैपेसिटर फिल्टर की विद अ रेक्टिफायर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो और समझ आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर भी करिएगा। इसी तरह फिल्टर्स के बाकी टाइप्स को भी और अदर इंजीनियरिंग टॉपिक्स को भी देखने के लिए हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जो नए यूज़फुल वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो फिल्टर के ही अदर टॉपिक्स देखने के लिए इसी प्लेलिस्ट को चेक करिएगा और PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक द्वारा, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं PDF को डाउनलोड करने के लिए, और उस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।